हेलो फ्रेंड्स, मैं तुहिन एंड आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं एग्जांपल के बारे में जो बोला था, वो जो पिक्चर दिखाया था, उसका कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो सब समझ जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल का एग्जिस्टिंग व्यूअर है तो धन्यवाद, अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपसे पहले पहुंच सके। तो देर किस बात का, चलिए। दोस्तों, इसके लिए हमको एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या लिखना है, ऊपर जो हेडिंग होगा, बार नेम, डाया ऑफ बार, शेप ऑफ बार एंड लेंथ। लेंथ को हम यहाँ पर रिमार्क्स में कर लेंगे, ठीक है। एक्यूरेट लेंथ इन मीटर, नंबर, टोटल लेंथ इन मीटर, यूनिट वेट केजी पर मीटर, वेट इन केजी एंड रिमार्क्स। अभी देखो, जो बार नेम था वहाँ पर ए सेक्शन में था, मेन बार, ठीक है, ए सेक्शन में मेन बार। डाया ऑफ बार कितना है, 10। अभी जो शेप ऑफ बार है, बार इसके तरफ होगा, ठीक है, ये जो है टेक्सचर यही होगा। अभी लेंथ को देखें कैसे निकलता है। लेंथ लेंथ इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखो लेंथ इज इक्वल टू जो हमारा था पिक्चर में 2800 प्लस 2 × 300 प्लस, ये जो है वो बियरिंग वॉल के लिए, प्लस 2 × 95, 5 के मतलब है डाया ऑफ बार 10, माइनस 2 × कोवर 25 का टोटल कुल मिला के हो गया 3530 mm, ठीक है। तो इसको ही हम यहाँ पर लिखे इन मीटर में 3.53। अभी देखो, हमारा जो नंबर ऑफ बार्स हो रहा है, नंबर ऑफ बार, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल जो लेंथ है नंबर ऑफ बार के लिए, देखो एक चीज देखना है आपको, हम जब शॉर्टर स्पैन का ले जो नंबर ऑफ बार निकल रहा है, देन हमको ये जो शॉर्टर स्पैन में ले रहा हूँ, तो इसको जब नंबर ऑफ बार्स निकल दो, इसको जो लेंथ ले रहा हूँ ये, ठीक है, 6000 प्लस 2 × 300 यानी कि 6600, ठीक है, तो ही हम वहां पर ले रहा है। तो यहां पर देखो, वही ले लिया 6600 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 150, 150 सेंटर टू सेंटर था, प्लस वन, ये प्लस वन क्यों हो रहा है, मैं पिछले वीडियो में दिखा दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 44.67, इसको लगभग 45, तो नंबर में लिख दिया हम 45। तो 45 को देखो, यहाँ पर देखो 23 हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारा जो क्रैंक बार था और मेन बार था, ये ऑल्टरनेटिवली है। तो अगर टोटल नंबर हुआ 45, तो इसको हम 23 एंड 22 में डिवाइड कर लिया मेन एंड क्रैंक बार से। अभी तो टोटल लेंथ कितना हो रहा है, ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 81.19। यहाँ पर जो यूनिट वेट है 0.62 वेट इन केजी, टोटल वेट हुआ 50.31, ठीक है। अभी देखो क्रैंक बार सेक्शन बीबी का, क्रैंक बार नंबर था 10, 10 नंबर नहीं, ये डायो बार, डायो बार है 10, 45 डिग्री क्रैंक एंड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। एक्यूरेट लेंथ, लेंथ को आप देखो, अभी इसको लेंथ का कैलकुलेशन हम पिछले वीडियो में भी दिखाया था, जो क्रैंक हो रहा है, क्रैंक का अगर आपका दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में लिख सकता है जो कैसे क्रैंक निकलता है। तो इसको देखो 120, 120 कितना किसका था, यहाँ पर जो स्लैब का जो डेप्थ है ये है 120 mm का, ठीक है, तो ही हम लिखे, तो क्रैंक, ये देखो इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, 120 टोटल डेप्थ माइनस 2 × कोवर, 20 का कोवर था, ऊपर नीचे जो कोवर था वो था 20 का, ठीक है। अभी माइनस 2 × 10 डिवाइडेड बाय 2 क्यों हो रहा है, इसका जो मिडिल पोर्शन से इसका मिडिल पोर्शन तक हमको लेना है, इसलिए इसका जो डाया था इससे डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। और बोथ साइड है, यहाँ पर देखो इस साइड में भी मिडिल पोर्शन, इस साइड में भी मिडिल पोर्शन, इसलिए 2 हो रहा है, 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कुल मिलाकर हो रहा है 70, ठीक है। अभी लेंथ कैसे निकालना है, लेंथ, इसको लेंथ सेम
2800 प्लस 600, ये जो टोटल बियरिंग है, वॉल लेंथ, वॉल का जो थिकनेस है 300, 300 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9, 5 5 है 10, प्लस 0.42 के का जो है, ये के हम निकाल लिया, के 70 का वही हम यहाँ पर लिखे 0.42 के इंटू 2, बोथ साइड में है हमारा जो 45 डिग्री क्रैंक था, 45 डिग्री क्रैंक के लिए के का जो होता है 0.42 के वैल्यू होता है, इसका जो लेंथ होता है इसका वैल्यू ऐसे ही निकलता है, ठीक है, 45 डिग्री के लिए, यहाँ पर के नहीं, फॉर 45 डिग्री क्रैंक 0.42 के, तो वही हम यहाँ पर लिखे, देखो 0.42 के का जो था 70 इंटू 2 बोथ साइड है माइनस ओवर 25 इज इक्वल टू, कुल मिलाकर हो रहा है 3589, इसको जो हम लगभग ले रहे हैं 3.59, ठीक है, तो वही हम लिखे यहाँ पर जो एक्चुअल लेंथ है 3.59, नंबर है 2, सॉरी नंबर है 22, हम देखो यहाँ से 23 एंड 22 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, अभी टोटल लेंथ है 78.98, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, यूनिट वेट, यूनिट वेट आप चार्ट से देख सकते हैं, 10 mm के लिए 0.62 यूनिट वेट हो रहा है 48.97, अब तो ये कैलकुलेशन देख लिया, अभी जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है सीसी, सीसी सेक्शन में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये जो है ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, तो इसके लिए हम इसका जो लेंथ था, देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा जो था ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार इस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ ये 6000 प्लस 300 प्लस 300, 6600, ठीक है, तो ही हम यहाँ पर लिखे 6000 प्लस 600 प्लस 2 × 9, 5, यहाँ पर 5 कितना है, डाया बार 6 mm, तो यहाँ पर लिखा 6 माइनस 2 × कोवर 25 का, कुल मिलाकर हो गया 6658, लगभग 6.66, तो वही हम यहाँ पर एक्यूरेट लेंथ जो है वहाँ पर लिखे, अभी नंबर निकलना है आपको, देखो हम जब मेन बार निकले थे तो नंबर के लिए इस डायरेक्शन लिया था, इसको लेंथ लिया था, अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए देखो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इसके लिए हम ये जो लेंथ है ये लेगा, ठीक है, इसको पिक्चर को मत देखो, इस पिक्चर थोड़ा पेज कम था इसलिए ऐसे हुआ, लेकिन अगर जब आप ठीक से आंको तो इसको एकदम पूरा बहुत, ये जो है ना ये है LX और ये LY है, तो इसको ठीक ढंग से आंकना है, ठीक है, तो यहाँ पर ले रहा हूँ 28,000 और यहाँ पर जो है 300 दोनों तरफ से, वही हम लिख रहा है, देखो यहाँ पर टोटल जो था 28 प्लस 33 यानी कि 34,000, 3400 माइनस 2 × 25 ओवर के लिए डिवाइडेड बाय 150, 150 सेंटर टू सेंटर प्लस 1, तो कुल मिलाकर हो रहा है 23.33, इसको हम अगर लगभग कर लेते हैं तो 24, ठीक है, हर टाइम इसको घटाना नहीं है बढ़ाना है, देखो 23.33 आया फिर भी हम 24 ले लिया, ठीक है, ऐसा ही हमको लेना है, चलो कैलकुलेशन तो सीख गया, अभी जो लास्ट पोर्शन है वो है डीडी का, तो ये था बार फॉर होल्डिंग, होल्डिंग के लिए जो बार दे रहे थे, तो छः जो 6 नंबर का जो दे रहा था वही, तो यहाँ के लिए हम डाया लिया 6, डाया बार, टेक्सचर ऊपर में है इसलिए इसका जो हुक है नीचे तरफ रहेगा, एक्यूरेट लेंथ 6.6, 6.66 यहाँ पर जो था वही यहां पर भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार था और वो जो होल्डिंग बार था सेम साइड में है, ठीक है, यानी कि इस साइड में भी है, इस साइड में, ठीक है, इसलिए उसका लेंथ सेम हो रहा है, अभी नंबर जो है 6, दोनों तरफ 3 3 के 6 हो गया, टोटल लेंथ 39.96,
यूनिट वेट 0.22 फॉर 6 mm बार, टोटल वेट कितना हुआ 8.79। ठीक है, तो इसको लेंथ जो था हम पहले ही निकल लिए, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी टोटल लेंथ, टोटल वेट कितना हुआ, टोटल वेट सबको कुल मिलाकर हो गया 143.24 kg। जो रिटेन रहता है हमारा, जो रॉड लेकर आता हूँ बाजार से तब कुछ कट पीस रह जाता है, ठीक है, तो रिनफोर्स का जो कट पीस रहता है उसके लिए जो रिटेन है हम 5% गेस कर लेंगे, तो ये 5% करके हुआ 7.16। इस पोर्शन को आप कर भी सकते हैं ना भी सकते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को, या अगर हम इसको नहीं भी किया तभी ये जो है एकदम सही है। तो हम इसको ले लिया एक्यूरेट करने के लिए, तो टोटल कितना हुआ 150.40 kg, कुंटल में है 1.51 कुंटल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म होता है आज, इतना ही, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।